तो दोस्तों आज हम टाटा गाड़ी के जेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके स्टेयरिंग रैक के। तो दोस्तों हमारी वीडियो ध्यान से देखें और जेस्ट गाड़ी का जो स्टेयरिंग रैक होता है और सस्पेंशन नॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे, स्टेयरिंग रैक सस्पेंशन नॉइस। गाड़ी का स्टेयरिंग रैक है। ये आउटर बोल्ट जॉइंट, ये इतना आउटर बोल्ट जॉइंट, इनर बोल्ट जॉइंट, ये इतना इनर बोल्ट जॉइंट, ये कवर इसका, इसके अंदर ये रैक पिनियन का रॉड आता है, इसके अंदर ये रैक पिनियन है, स्टीयरिंग कॉलम इसी के ऊपर टाइट होता है, रैक पिनियन, ये स्टीयरिंग रैक हो गया। फिर से ऐसा उसी साइड लेफ्ट राइट साइड का ये हो गया, राइट साइड के फिर से हुए, ये ब्लैक कवर के अंदर रैक पिनियन है, और ये फिर से इनर, ये आउटर, बस जेस्ट गाड़ी का है। स्टीयरिंग रैक इनर रैक पिनियन। तो दोस्तों ये है रैक पिनियन, आउटर बोल्ट जॉइंट, इनर बोल्ट जॉइंट, और इसके अंदर रैक का रैक पिनियन आता है, रैक का रॉड आता है, ये रैक पिनियन हो गया, यही रैक का रॉड इधर आता है यहाँ पे, और फिर से उधर वो आउटर। ओके, तो ये आप पूरा समझ गए होंगे। बस ये देख लीजिए बूस है, रैक पिनियन के अंदर बूस है, ये रैक पिनियन का बूस है, ये बस ये बूस है, ये रैक पिनियन का बूस है। तो दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा हर एक वीडियो के थ्रू। स्टीयरिंग रैक और ये। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, यही देखिए जेस्ट गाड़ी है, इसका मैं आपको स्टीयरिंग रैक के बारे में पूरा बता दिया हूँ। और सस्पेंशन नॉइज का प्रॉब्लम आता है तो स्टीयरिंग रैक को भी देखा जाता है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो में सस्पेंशन नॉइज के 4-5 वीडियो बना के। और दोस्तों हर एक गाड़ियों का सस्पेंशन नॉइज सेम होता है, स्टीयरिंग रैक सेम होता है।